नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फर के बारे में। हम जानेंगे इसके क्या साइन और सिम्टम्स हैं, इसे हम कौन से रोग में यूज़ कर सकते हैं, साथ ही हम जानेंगे कि इसको लेने का सही तरीका क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं देवेश यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्यो क्लिक पे। दोस्तों, ये मेडिसिन कपूर से तैयार की जाती है और हम इसका मदर टिंचर और डाइल्यूशन फॉर्म दोनों यूज़ करते हैं। इसके मदर टिंचर की खास बात यह है दोस्तों कि जैसे अन्य होम्योपैथिक दवाओं के मदर टिंचर को हम पानी के साथ यूज़ करते हैं, इसको हम पानी के साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसको हम चीनी के साथ यूज़ करेंगे या आप बताशे के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये मेडिसिन एंटीडोट है, यानी आप अन्य होम्योपैथिक दवाओं के साथ इसे नहीं रख सकते, ये उनके प्रभाव को नष्ट कर देती है। और दोस्तों, ये एक इमरजेंसी मेडिसिन कहलाती है, यानी अगर कोई सदमे में है, चाहे वो फाइनेंशियल अटैक की वजह से हो या फिर किसी नज़दीकी की डेथ की वजह से हो, तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा दोस्तों, ये एक एक्यूट रेमेडी है, यानी कि इसका प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है, इसका प्राइमरी एक्शन बहुत ही अच्छा होता है बजाय कि इसके सेकेंडरी एक्शन के। यानी आप जब भी ये मेडिसिन लें, इसको आप शॉर्ट ड्यूरेशन पे रिपीट करते रहें, ये आपको जल्दी अच्छा रिजल्ट देगी। हम बात करते हैं कि ये कौन से रोगों पे काम करती है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने अभी बताया कि किसी को सदमा हुआ है, वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा डायरिया और कॉलरा की कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, तो इसका जो रोगी होगा, उसके हेड की बात करते हैं सबसे पहले हम, कि इसके पेशेंट में सिरदर्द लगातार बना रहेगा। इसके अलावा उसको चक्कर आने के साथ बेहोश होने की टेंडेंसी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, इसकी आईज़ की बात करते हैं, तो आँखों में इसकी आँखों की पुतलियाँ तनी रहेंगी। चेहरे की बात करें तो फेस इसका पेल रहेगा और ब्लूइशनेस रहेगी, चेहरा नीला पड़ जाएगा, माथे पे पसीना होगा और चेहरा ठंडा रहेगा बहुत ज़्यादा। इसके अलावा फिर दोस्तों बात करते हैं इसके टंग की, तो टंग में फ्लैबी होगी, टंग मोटी होगी और ठंडी होगी। फिर के पेट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें ऐठन भरा दर्द होगा। साथ ही इसमें यूरिन की बात करें, तो इसमें जब यूरिन पास करेगा तो इसको बर्निंग सेंसेशन होगी एट द पॉइंट ऑफ द ब्लैडर, यानी कि जहाँ पे आपकी पेशाब की थैली ख़त्म हो रही है वहाँ पे इसको बर्निंग सेंसेशन होगा। स्टूल की बात करते हैं, तो स्टूल दोस्तों ब्लैकिश होगा या चावल के माड़ की तरह होगा, यहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और इसके अलावा दोस्तों, इसके हाथ और पैर की बात करें, तो इसको बहुत ज़्यादा ट्रिम्बलिंग होगी, यानी हाथ पैर कांपना और हाथ पैर में पसीना होना और ठंडा रहना। अब डिजीज़ की बात करें, तो ये मेडिसिन डायरिया और कॉलरा के केस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। साथ ही ये मेडिसिन शुरुआती बुखार के केस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। और इसके अलावा दोस्तों, कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई, चाहे वो हर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई किसी तरह का सदमा लगा हो, वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसको हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में रिपीट करना पड़ता है आधे आधे घंटे पे, और ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा एक्यूट रिजल्ट देती है। और दोस्तों, डोजेस की बात करें, तो अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है, यानी कि सदमे की कंडीशन है या हर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप कैम्फर 1x यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। इसको आप हर 15 मिनट पर रिपीट करिए। इसके अलावा दोस्तों, कॉलरा की कंडीशन में या डायरिया की कंडीशन में, और अगर आपके बॉडी टेम्परेचर डाउन हो गया है बहुत ज़्यादा और वो ऊपर नहीं आ रहा है, वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप इसको 30 potency में यूज़ करिए, कैम्फर 30। ये आपको सीधे टंग डोज दे सकते हैं 2 से 3 बूंद की, या ग्लोब्यूल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं 4 गोली। इसे आप हर 4 घंटे पर रिपीट करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फर से जुड़ी कुछ जानकारी। और कोई भी मेडिसिन लेने के पहले आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।